लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जिसने एक बंदर में से मानव का मूल रूप उजागर किया वो अग्नि उसके अंदर ही थी। मानव ने अपनी भूख मिटाने के लिए अग्नि प्रज्वलित की। उस अग्नि से दीपक जलाकर उसने रोशनी फैलाई। युगों युगों से वो अपने अंदर छिपी अग्नि को रोशन करता आ रहा है ताकि वो ज्वाला हमेशा जलती रहे। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर जैसी भावनाओं से वो ज्वाला जलती है। वो ज्वाला मानव को राख कर डालती है। रोशनी की जगमगाती किरण बन जाती है क्रोध की धधकती ज्वाला। वो ज्वाला हमें शुरुआत में दिखाई नहीं देगी परंतु अंत उसी ज्वाला से होगा। हाँ अंत, और इस अंत का कारण है आकांक्षा ही दुखों का, आकांक्षा ही दुखों का मूल है दुख का मूल है। लोभ ही मोह बढ़ाता है, मोह से जन्म लेता है प्रतिशोध। अपेक्षाएं लोभ का रूप लेती हैं और लोभ ही मनुष्य घटक सिद्ध होता है। अपेक्षा ही सब दुखों का मूल है और जो अपेक्षा सभी दुखों का मूल है वो तो हमारे हृदय के अंदर समाई हुई होती है। जब किसी को बच्चा होना हो तब मन में लड्डू बांटने की इच्छा होती है, है? और अगर लड़की हुई तो उसके लिए वर ढूंढने की इच्छा जागृत होती है, और लड़का हुआ तो उसके लिए सुंदर पत्नी लाने की इच्छा, विवाह के बाद बच्चा होने की इच्छा, और लड़की हुई तो वर ढूंढने की इच्छा, बच्चा होने की इच्छा, वर ढूंढने। ठीक से बैठना। हर एक दिन, हर एक पल तुम्हारे दिमाग में इच्छाएं उमड़ती रहती है। इच्छाओं के बिना जीवित रहना मुमकिन है? मुमकिन है? तुम बताओ, मुमकिन है क्या? नहीं। सही कहा, मुमकिन नहीं है। धरती के किसी भी जीव को यह संभव नहीं है। इसका कारण है जिस भगवान ने हमें बनाया उसी ने इच्छाएं भी बनाई। जिस भगवान ने हमें बनाया उसी ने इतने रस भरे कीर्तन में भी तुझे नींद आ रही है? कीर्तन रस भरा है क्योंकि उसे पैसे मिलने वाले हैं। उसे मुफ्त में करने को बोलो, जुबान टूट जाएगी उसकी, मुंह को लकवा मार जाएगा। बस बंद कर, ऐसे बोल रही है जैसे तेरे बाप का पैसा जा रहा है। उसकी सारी चालाकी सिर्फ पैसों के लिए है, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ औरतों पर है। लिचड़ कहीं का। चीची, मुंह बंद कर, इतनी गंदी बातें कैसे आती है तेरे जुबान पर? बस ये समझ लो कि मेरी पैदाइशी खूबी है, तुम नहीं कर पाओगी। शांति से कीर्तन सुन। तो हम शांत रहकर आगे बढ़ने की सोचते हैं, लेकिन हृदय की इच्छा थोड़े ही शांत होती है। कामातुर कोई भेद नहीं जानता, इच्छाएं कोई डर नहीं मानती। जन का मूल ही कामुकता है और कामुकता का मूल इच्छा। मतलब हमारे मन की इच्छाएं कामुकता जितनी ही प्राकृतिक है, लेकिन क्योंकि हम सभ्य समाज में रहते हैं तो हमें कामुकता और अपेक्षा के ऊपर काबू रखना जरूरी है, नहीं तो हमें और बाकी प्राणियों में क्या फर्क रह जाएगा? कुछ भी। हाँ, कहता है काबू होना चाहिए। अगर इतनी ही हिम्मत है तो मेरी आंखों में बस 2 मिनट देखकर दिखा, फिर देखती हूँ तुम्हारा कामुकता पर काबू रखना, नहीं तुम्हें नाच नचाया तो देखना। ठरकी कहीं का। छी, अब बस कर, जो मन में आए बोलती जाती है, मुझे सबके सामने शर्मिंदा मत करना। चल अब घर वापस चल। वेंकय अम्मा, अब हम निकलते हैं। ठीक है, चलो उठ। हाँ। अब ये गन्ना कहाँ से मिल गया तुझे? वहाँ पेड़ के ऊपर बैठकर मुझे घूर रहा था, कह रहा था मेरे पास आओ। काश मुझे इतनी आसानी से सब कुछ मिल जाता। तेरी बातें मेरी समझ से तो बाहर है। तेरे पिताजी घर पर इंतजार कर रहे होंगे हम लोगों का।
तुम्हारा पियक्कड़ पति इंतजार कर रहा होगा, तुम्हारा, मेरा नहीं, समझी? अगर उसे मेरा इतना ही ख्याल होता तो अब तक मुझे कम से कम 3-4 बच्चे हो चुके होते, बिल्कुल उसी तरह जैसे मेरी बाकी सहेलियों के हुए। मल्ली, जो किस्मत में लिखा होगा वो जरूर होगा, धीरज रख बेटा। एक जगह खड़े रहने से घर चलकर पास नहीं आएगा, हमें खुद चलकर घर जाना होता है। किस्मत भी वैसी ही है, बेकार में बैठकर किस्मत को कोसने से बेहतर है कि खुद खड़े होकर अपनी किस्मत बदल लो। ऐसे क्या देख रही हो तुम? मेरा दर्द क्या समझ पाओगी? पता नहीं कैसी माँ हो तुम। तुम भी तो कभी मेरी उम्र की थी ना, फिर भी तुम्हें मेरी तकलीफ महसूस क्यों नहीं होती? चलो अभी 3 कोस और चलना है, चलते चलते सोचना। चलो मल्ली, किसी की गाड़ी की आवाज आ रही है, जरा जाकर देख तो। देखो मेरी जिंदगी तो जहन्नुम बन चुकी है, रात की नींद भी किस्मत में नहीं लिखी है शायद। देखना। पहुंच गए, डरने की कोई बात नहीं। अम्मा, राजू चाचा की गाड़ी है। ओह, राजू की बेटी सरसू पेट से है, शायद दर्द शुरू हो गया होगा। मैं जाकर पानी गर्म करती हूँ, तू गर्भनाल काटने के लिए चाकू लेकर आ, जा जल्दी कर। बस पहुँच गए बेटी। ए सुभैया, उठो सुभैया, उठो 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 उठो। नमस्ते, नमस्ते। अच्छा बेटी, सारा शांत रहिए ना। जोर लगाओ बेटा, घबराओ मत सरसू, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। थोड़ा जोर लगाओ बेटा, थोड़ा जोर लगाओ। मल्ली, मल्ली उसका हाथ पकड़ो, कुछ नहीं होगा बेटा, बस हो गया। हिम्मत रखो सरसू, हिम्मत रखो बेटा। ये ऐसे चिल्ला क्यों रही है? ठीक है, कल से पीना छोड़ दूंगा। सरसू, थोड़ा जोर लगाओ, जोर लगाओ बेटी। ए मल्ली, हाथ पकड़ इसका, पकड़, हिम्मत रखो सरसू। मुझे नहीं लगता मैं बचूंगी। कुछ नहीं होगा। अरे कल पी के आया तो मर जाना, अब सो जा। ए मल्ली, बाहर जाकर अपने बाप को बोल अपना मुंह बंद रखे। उसने सुना होता तो आज वो मेरा बाप नहीं होता। अपना काम करो। बस हो गया सरसू, थोड़ा जोर लगाओ, बस हो गया, हो ही गया सरसू। अरे कैसी औरत है, अभी बच्चे की आवाज में चिल्ला रही है, हट। आप हमारे लिए देवता से कम नहीं हो पूर्णम्मा, आप नहीं होती तो ये सब इतना आसान नहीं होता। मैं तो ईश्वर की सेविका हूँ, मेरा काम है उसका ये सृजन सही सलामत तुम तक पहुँचाना। बच्चा कितना प्यारा है तुम्हारा, बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। अगर बेटा अपनी माँ जैसा हो तो किस्मत वाला होता है।
किसका सामान होगा? कोई है? कोई है? यहाँ अपने जूते उतार कर गए हैं, सारा सामान भी यहीं छोड़ दिया है। मुझे नहीं लगता अब कोई वापस आने वाला है। अरे भाई, आसपास कोई है क्या? अरे भाई, हे भगवान, लगता है किसी ने जीवन से निराश होकर नदी में कूदकर जान दे दी होगी। अरे कोई बचाओ, किसी ने हमारी नदी में जान दे दी है। कोई है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अरे बचाओ, कोई है? बचाओ, अरे किसी ने नदी में कूदकर जान दे दी है। चिल्ला क्यों रहे हो? तो तुम जिंदा हो? हे भगवान, मैं तुम्हें ही बचाने के लिए मदद मांग रहा था। मुझे लगा तुम डूबकर मर गए। पानी के अंदर मुझे क्या सुनाई देगा? हाँ, ये भी सही है, अगर मुझे दिखाई देता तो चिल्लाता ही क्यों, है ना? लेकिन तुम अपना सामान यहाँ छोड़कर वहाँ पानी में क्या कर रहे थे? पानी के अंदर सांस रोककर रखने की योग क्रिया कर रहा था, साधना कहते हैं इसे। महाभारत में दुर्योधन भी ऐसे ही साधना किया करता था। लगता है तुम उसी के अनुयायी हो। अरे वाह, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। भगवान ने मुझे आंखें नहीं दी है, लेकिन सीखने समझने की बुद्धि दी है। वैसे तुम यहाँ के तो नहीं लगते, कहाँ से आए हो? कहीं से नहीं आया हूँ, हर जगह मेरी ही है। मैं बस एक जगह से दूसरी जगह घूमता ही रहता हूँ। तुम मुझे राहगीर समझ सकते हो? तो फिर अपना पेट कैसे पालते हो? मैंने जरूरत से ज्यादा कमा लिया है, तो सोचा थोड़ा घूम लिया जाए ताकि अपनी जमीन से जुड़ा रहूं। प्रार्थना करता हूँ तुम्हारी यात्रा में कोई बाधा ना आए। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? श्रीनो, श्रीनिवास। और तुम्हारा? कनप्पा। समझ गया, तुम सोच रहे होंगे मेरे माता पिता ने ऐसा नाम क्यों रखा, लेकिन ये नाम मैंने ही अपने आपको दिया है। भगवान शिव ने कनप्पा को उसकी भेंट चढ़ाई आंखें लौटा दी, तो मैंने खुद को ये नाम दे दिया ताकि शिव मुझे भी मेरी आंखें लौटा दे। भगवान शिव तुम्हारी जरूर सुनेंगे। ये बांसुरियां किस लिए? कहीं अंधे कनप्पा में कोई महान कलाकार तो नहीं छिपा है? एकदम सही पहचाना, मेरे कंधे पर जो बांसुरियां हैं वो पेट भरती हैं, और हाथ में जो बांसुरी है वो जी बहलाती हैं। क्या बात है, मुझे भी कोई अच्छा सा गाना सुनाओ ना, देखते हैं। देखोगे या सुनोगे? देखते हुए सुनूंगा, चलो बजाओ। ठीक है। भगवान आया, दर पे मेहमान आया। काशी कामाक्षी से आया, मदुरई मीनाक्षी से आया, काशी विश्वेश्वर से आया, आशीर्वाद देने आया। मांगो लक्ष्मी का आशीर्वाद, मांगो सोने चांदी की बरसात, मांगो। मेरी बात मानो यजमान, अपना भूतकाल मुझसे सुनो और अपना भविष्य भी जानो। मेरी बात कभी झूठ नहीं हो सकती, चाहो तो एक बार परीक्षा करके देखो। भगवान शिव का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है, साक्षात महादेव के वरदान से मेरी वाणी कभी गलत नहीं होगी। अभी तुम्हारी बात सुनने के लिए ना ही हमारे पास वक्त है और ना तुम्हें देने के लिए हमारे पास कुछ है। माफ कीजिए बाबा, कहीं और जाइए। तुम्हारे पास कुछ नहीं है ऐसा मत कहो माते, मैं देख सकता हूँ लक्ष्मी माँ का वरदान तुम्हारे घर में मौजूद है। अबे बकवास बंद कर, लक्ष्मी का वरदान? अच्छा, आ जा। पूरा घर छान मारेगा, अगर एक नया पैसा भी मिला तो 5 रुपए दूंगा तुझे, और अगर नहीं मिला तो 2 रुपए मुझे देना। क्यों, मंजूर है? कहता है कि लक्ष्मी का वरदान है। आप ऐसा मत कहिए यजमान, मेरी लक्ष्मी माँ के वरदान की बात पूरी तरह सच है, लेकिन आपने अभी कुछ नहीं किया तो वो नाराज होकर प्रस्थान करेगी, प्रस्थान करेगी। अब बहुत देर हो गई,
मेरे पास जो कुछ था पहले ही चला गया है। मैं तुझे बता दूं कि तेरे श्राप से अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा खजाना तो 15 साल पहले चला गया। लक्ष्मी माँ तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गई है, असल में अब वो तुम्हें आशीर्वाद देने आ रही है। मैं तो आपको जानकारी देने आया था, शाप देने नहीं। शाप देना बिल्कुल नहीं चाहता। आशीर्वाद देगी? हाँ। तो क्या वो हमारा घर सोने से भर देगी? हाँ। आपके घर में अब सोने चांदी की बरसात होने वाली है। खजाने की रक्षा करने की पूरी जिम्मेदारी अब आपकी होगी। पर हमारे पास उसे रखने की तिजोरी नहीं है। उसे रखने के लिए हमें कितना बड़ा गड्ढा खोदना पड़ेगा? उस गड्ढे में क्या जाएगा उस पर यह निर्भर करता है, तो खोदना शुरू करो। हाँ, बहुत हो गया तुम दोनों का, एक काम चोर और दूसरा बेकार। मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा ना, जाओ। बेटी, कौन हो तुम? चुपचाप यहाँ से निकल लो। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारी जुबान काट के अपने कुत्तों को खिला दूंगी। वैसे भी आज बुधवार है, मेरा कुत्ता आज मटन खाता है। ऐसी बातें मत करो बिटिया, जबान से मेरा पेट चलता है। चलो निकलो यहाँ से। जाओ यहाँ से, वरना यही गाड़ दूंगी। गाड़ दो इस जमीन में, लेकिन इस जमीन को इतना कम मत आंको। ये जमीन बड़ी पवित्र है। इस मिट्टी से तुम खेलने के लिए गुड़िया बना सकती हो, या फिर तुम अंतिम संस्कार के लिए घड़ा भी बना सकती हो। तुम्हारे हाथ में जो मिट्टी लगी है वही तुम्हारी हालत बदलने वाली महान मिट्टी है। बहुत सुन ली तुम्हारी बकबक। तुम्हें क्या लगता है ऐसे शाप देकर तुम हमें डरा सकते हो? चलो निकलो यहाँ से। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो इसी कपास से तुम्हारी चिता जला दूंगी। हमें शाप देता है नालायक। सुनिए। अबे कहा ना निकल यहाँ से। तुम कौन हो भाई, क्या चाहिए तुम्हें? थोड़ा पानी मिल सकता है क्या? आओ। थैंक्स माँ जी। तुम शहर से हो बेटा? हाँ माँ जी। वैसे तुम तो काफी पढ़े लिखे लगते हो, यहाँ कैसे आना हुआ? मेरा नाम श्रीनिवास है और मैं जगह जगह घूमकर वहाँ के अनुभवों पर एक किताब लिख रहा हूँ। मैं कार्टून्स भी बनाता हूँ। कार्टून मतलब? कार्टून मतलब हाँ, व्यंग्य चित्र। ओ, वो जो पेपर में छपते हैं हंसी मजाक वाले, आड़े टेढ़े चित्र होते हैं, वही ना? अरे मैं तो भूल ही गया, यहाँ आते वक्त मैं मंदिर गया था, वहाँ मुझे ये प्रसाद मिला। लीजिए ना माँ जी। पुजारी जी ने ये प्रसाद तुम्हें दिया है ना बेटा, तो ये तुम ही रखो। लेकिन प्रसाद तो मिल बांट कर खाते हैं ना, शायद ये प्रसाद हम सबकी किस्मत में लिखा हो। लीजिए ना माँ जी। माँ जी आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और अगले गांव में पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी, क्या आज की रात मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ? ओहो, तुमसे चार बातें क्या कर ली, हमारी अच्छाई का फायदा उठा रहे हो क्या? बहुत तेज हो लड़के। नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है। ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम देख ही रहे हो हम लोग काफी गरीब हैं। रात भर चलोगे तो अगले गाँव पहुँच जाओगे और वहाँ तुम्हें सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, तुम यहाँ नहीं रह पाओगे बेटा। मैं तो बहुत से गांव घूमता रहता हूँ, बस थोड़ा सा खाना मिल जाए और सोने के लिए जरा सी जगह मिल जाए तो मेरे लिए काफी हो जाता है। गरीब अमीर सबके घर को छत तो होती है और मेरे लिए तो मेरा छत बस ये खुला आसमान। अब मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो आप खाएंगे उसी में से दो निवा ले लूंगा, मैं यहाँ बाहर सो जाऊंगा, कोई बात नहीं।
समझ गया माँ जी, आपके घर में जवान बेटी है इसलिए आप किसी अजनबी को अपने घर में रखने से डर रही हैं, यही बात है ना? क्या कहा? हम डरते? मेरा परिवार यहाँ आसपास में मीलों तक कोई भी घर नहीं है, कोई मर भी जाए ना तो किसी को पता नहीं चलेगा। पता है आसपास के गांव वाले मुझे क्या कहते हैं? वीराने का शैतान। पता है हम तो भूत से भी नहीं डरते, इंसान हमारा क्या बिगाड़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, अब तुम अजनबी हो इसलिए तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। सही कहा ना मल्ली? भगवान की दया से हम किसी को दोने वाला तो खिला ही सकते हैं बेटा। हम सब के लिए चावल तो बना ही रही हूँ, तो थोड़ा ज्यादा ही बना दूंगी। सही कह रही हूँ ना मल्ली? अरे बार बार मुझे क्यों पूछ रहे हो? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, खिलाओ या ऐसे ही भगाओ, मुझे क्या? इसे रहने देना है या नहीं आपका फैसला। ठीक है, तुम अंदर आओ ना बेटा। कोई बात नहीं माँ जी, मैं यहीं बाहर सो जाऊंगा। कोई बात नहीं, आ जाओ। घर के अंदर से भी आसमान दिखाई देता है। सोने जैसा घर है मेरा, मेहंदी जैसे उपले, जलेंगे तो ये दिखेंगे खूब ही भले भले। आप ये काम क्यों कर रहे हो? अरे ये नहीं करूंगा तो रात में पीने को कैसे मिलेगी? तुम भी पीते हो क्या? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पीता। मेरा मतलब शराब नहीं था, मैं कह रहा था चाय या कॉफी। अच्छा चाय ना, हाँ वो चलेगी। सुना? हाँ। इसको एक कप चाय चाहिए। जो मिलेगा वो चलेगा, ऐसा इसी ने कहा था ना। अब देखो जरा कैसे मुंह फाड़ के चाय मांग रहा है, कैसा आदमी है ये। चाय उसे नहीं चाहिए, तेरे बाप को चाहिए। बेटा हमारे घर में दूध तो है लेकिन चाय पत्ती नहीं है, हम लोग गरीब हैं, दूध में गुड़ डालकर पीते हैं और शक्कर खरीदना तो दूर की बात है। बकवास बंद कर, ये थका हुआ है इसलिए चाय मांग रहा है। हमेशा गरीबी की नुमाइश करना जरूरी नहीं है। पैसे दे, मैं बाजार से चाय पत्ती लेकर आता हूँ, फिर चाय बना कर देना इसे। चाय किसे चाहिए मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम्हारे पास पैसे है ना, उसी से ले आओ चाय पत्ती, फिर बनाती हूँ चाय। अरे चल, मुझे चाय नहीं चाहिए। अरे कोई बात नहीं, पैसे है ना मेरे पास, ये लीजिए, इतने काफी है ना। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम तो हमारे मेहमान हो, तुमसे पैसे भला कैसे ले सकता हूँ मैं। अरे लीजिए ना, उसमें क्या है। मैं साथ चलूं क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, मेरी साइकिल दो लोगों का बोझ नहीं उठा पाएगी, मैं ले आऊंगा। ठीक है। बाबा बचे हुए पैसों से मेरे लिए संतरे की गोली भी लाना। तुम ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? तुम्हारी चाय के लिए गाय का दूध मैं ही निकालूंगी। तुम्हारा नाम मल्ली है ना? मल्लिका, अम्मा बाबा प्यार से मल्ली बुलाते हैं। ओह, तो मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? हाँ मल्ली कहूँ या मल्लिका कहूँ? तुम्हें जो ठीक लगता है वो कहो, लेकिन अभी मुझे शांति से दूध निकालने दो, समझे? ठीक है मल्लिका। ये क्या है? क्या? ये वाला मुद्गल है, उससे कसरत करते हैं। कौन करता है? मेरे बाबा, वो किया करते थे रात की फूर्ति के लिए।
मतलब? ताकत बढ़ाने के लिए करते थे, लेकिन तुम शहर वाले लोग ऐसी बातें समझ नहीं पाओगे, जाने दो। अरे सुनो, हाँ? मैं चाय पत्ती ले आया। ए, ये संतरे की गोली मल्ली को दे दे। बहुत थक गया। चाय। बहुत अच्छी है चाय, थैंक्स। तुम्हें भी थैंक्स। मुझे क्यों? तुमने जो पैसे दिए थे उनसे बाबा मेरे लिए संतरे की गोली लाए हैं ना? संतरे की गोली तो मुझे भी बहुत पसंद है। तुम्हें दूं क्या? हाँ, नहीं 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 नहीं, मीठा खाऊं तो चाय का स्वाद चला जाएगा। अरे वाह, लगता है ये शहर का छोरा कसरत भी करता है। एक बात पता है, कसरत करने वाले लोगों को चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए, तो फिर दूध पीना चाहिए। तुम चाहो तो मैं तुम्हें दूध पिला सकती हूँ। मतलब? गाय का दूध। पता था मुझे तुमसे काम की उम्मीद करना ही बेकार है। ये ऐसे कौन चिल्ला रहा है? पागल है। लेकिन पागल लग तो नहीं रहा। कौन किसके लिए पागल है ये सबको पता नहीं चलता। तुम चाय पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। मल्ली, ए मल्ली, वीरन्ना आया है, तुम यही रुको बेटा। अब हाँ। कहाँ गई होगी? क्या रे, तेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है क्या? कल रात फसल को पानी क्यों नहीं दिया? किसी झमिया के साथ मजे कर रहा था क्या? वो क्या है कि कल अमावस की रात थी ना, तो पंडित जी ने घर के बाहर कदम ना रखने के लिए कहा था। मेरी फसल को पानी दे देते तो क्या कोई चुड़ैल तुम्हें पकड़ लेती? पैसा चाहिए था तब कोई अमावस बीच में नहीं आई थी ना। नुकसान तुम्हारा नहीं मेरा हो रहा है। फसल सूख गई तो पूरा नुकसान मुझे ही उठाना पड़ेगा। मुझे वक्त से ज्यादा मेरा पैसा प्यारा है। लेकिन अब तुम्हें दिखाता हूँ, अब ये सब मेरी बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगा। अपनी जुबान को लगाम दो वीरन्ना, उस फसल की चिंता हमें तुमसे कहीं ज्यादा है। वैसे भी अगर मजबूरी ना होती तो वो तुम्हारे पास गिरवी ही नहीं रखी होती। और तुम्हारी बकवास सुनने के लिए हम तुम्हारे नौकर नहीं है। मुँह में जो आए बोले जा रहे हो। अरे अक्का, मैंने क्या गलत बोला? मैं अपने बालों की कसम खाता हूँ, मैं कह रहा था कि इतनी बेपरवाही कैसे चलेगी। लड़की घर में बिन ब्याह बैठी है, मुझे उसकी फिक्र है इसलिए। बहुत हुआ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। एक बार आईने में जाकर अपनी शक्ल देख लेना, पूरा गाँव जानता है कि तुम कैसे इंसान हो।
हमें सलाह देने की कोई जरूरत नहीं। तुम समझती क्यों नहीं अक्का, आपके कर्जे की वजह से आप सब कितनी तकलीफ में हो ये मैं जानता हूँ। मुझे बहुत दुख होता है, मुझे आप सबकी तकलीफ खत्म करनी है। बस एक मौका दो तो सब ठीक कर दूंगा, लेकिन ये आदमी मेरी बात सुनता ही नहीं है। थू, कुत्ता कहीं का। पागल कुत्ता, चुपचाप दूध क्यों नहीं पीते? मेरा हाथ चाटने की क्या जरूरत है? शकल देखिए, कुत्ते से भी बदतर लगते हो तुम। तुम्हें दूध पिलाते हैं, इस बात का फायदा ले रहे हो क्या? काट कर फेंक दूंगी तुम्हारी जुबान। मिरन्ना सेठ, कल शाम को मैं खुद बाबा को खेत भेजती हूँ, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। आजकल गर्मी बहुत बढ़ रही है, ज्यादा घर से बाहर मत निकला करो, घर जाकर मस्त छास पीकर सो जाओ, वरना अंदर की गर्मी निकालनी पड़ेगी। ए कुत्ते, दूध पी। बाबा। कब से देख रही हूँ, 2 घंटे हो गए हथौड़ा मारे ही जा रहे हो आप। ऐसा लगता है कि आप यहाँ अकेले ही काम के हो। तू अपना मुंह बंद रखेगी, बिना मुंह चलाए काम नहीं कर सकती। बिना आवाज के आप क्या क्या करते हो मुझे अच्छे से पता है। चाय बहुत ही बढ़िया थी माँ जी, सच कहूँ तो चाय आपने पूरे प्यार और लगन से बनाई थी। एक कप चाय में तुम्हें प्यार भी मिल गया क्या? माँ का प्यार किस्मत में था ही नहीं, तो आप छोटी सी बात भी कह दो तो मानो प्यार की बरसात लगती है मुझे। सुनिए, वो जो आदमी आया था वो आपको काफी बुरा भला कह रहा था, बात क्या है? साहूकार था, जरा पकड़ना इसे। किसान की जिंदगी आसान नहीं होती, ये घर और यहाँ की 9 एकड़ जमीन मेरी अपनी है। कभी हम सब बहुत खुश थे, फिर शायद भगवान को हमारी खुशियां रास नहीं आई, हम सब बहुत परेशान हो गए। पहले हमारा खलिहान बर्बाद हुआ, फिर बीमारियां शुरू हो गईं, अस्पताल और दवाइयों में बहुत खर्च हो गया, हम लाचार हो गए। फिर हमें कर्ज लेना पड़ा, और कर्ज का हफ्ता अगर एक बार भी चूक गया तो कर्ज की रकम बढ़ती जाती है, ब्याज का पैसा भी उसमें जुड़ जाता है। जब ज्यादा दिनों तक हफ्ता नहीं भर पाए तो ये घर और सारी खेती साहूकार को गिरवी रखनी पड़ी। बदकिस्मती मेरा पूरा परिवार झेल रहा है, स्वाभिमान भूल कर बार बार बेइज्जती सहनी पड़ती है, जिंदगी ऐसी कट रही है, इससे तो मर जाना बेहतर है, पर क्या करें, इतनी हिम्मत नहीं है, जाने दो बेटा। और अब अपने ही खेत में मजदूरी करते हैं हम। किसी वक्त हमारा घर दौलत से भरा पड़ा था, लेकिन अब देखो कैसी दुर्दशा हो गई है, न जाने ये तकलीफें कब खत्म होंगी बेटा। जल्दी होंगी माँ जी, आपकी सारी तकलीफें दूर होंगी। कब होंगी, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब? माँ जी, वैसे आपको उसका कितना कर्जा चुकाना है? वो सब तुम जाने दो बेटा। कोई बात नहीं, बताइए ना मुझे। 25,000 कर्जा और 35,000 ब्याज। We'll be right back.
माना कि हम मुसीबत में हैं, लेकिन हमने तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाए। जी जी, ऐसा नहीं है मल्लिका, मैं तो एक अनाथ हूँ। बचपन से लेकर आज तक कड़ी मेहनत से मैंने ये सब कमाया है। आप तीन लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं और दिल के भी बहुत अच्छे हैं। दौलत तो आज है और कल नहीं। आज दौलत मेरे पास है तो वो कल आपके पास होगी। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बस मेहनत और लगन जरूरी होती है। आपने अजनबी होकर भी मुझे घर में आसरा दिया। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। मैं आपको ये सारी दौलत तो नहीं दे रहा, लेकिन अगर मैं अकेला इतना कमा सकता हूँ तो जरा सोच कर देखिए कि आप तीनों मिलकर कितना पैसा कमा सकते हैं। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है बेटा, और ये दौलत तो तुमने कितनी मेहनत से कमाई है ना। हे भगवान, अपशगुन हो गया। मल्ली, जा जाकर नहा ले बेटा। हाँ बेटा, ये सब अंदर रखो और तुम भी जाकर नहा लो। किस लिए माँ जी? अगर किसी पर छिपकली गिर जाए तो स्नान करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जल्दी जाना। जा रही हूँ। नहा रही है या वहीं अंदर घर बसा रही है? नहाने में इतनी देर क्यों लग रही है तुझे? हो गया अम्मा, बस आती हूँ। हाँ, मैं और तेरे पिताजी खेत जा रहे हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, पर जल्दी आना और बाबा से कहो कि वहाँ बस काम ही करे, कुछ और नहीं। मुंह बंद कर अपना, दिन ब दिन तेरी जुबान बद से बदतर होती जा रही है। घर का ध्यान रखना, ध्यान रखना। हाँ हाँ सुन लिया, मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मेरे बारे में पता है ना तुमको? हाँ हाँ पता है मुझे, फिर भी मुझे लगा कि एक बार बता दूं। चलती हूँ। हाँ छिपकली गिरेगी, मुझे ये बात पता होती तो पानी गर्म करके रखती। क्या पता तुम्हें ठंडे पानी की आदत हो ना हो। हाँ बिल्कुल है, मुझे हर जगह गर्म पानी थोड़ी ही मिलता है। नदी हो, झरना हो या तालाब, जहाँ पानी दिखे वहाँ कूद जाता हूँ। तुम्हारा इन सब बातों में विश्वास है? मतलब ये अपशकुन शकुन वगैरह वगैरह? प्राचीन मान्यताओं पर शक नहीं करना चाहिए, हमारे पूर्वजों की कही हर बात के पीछे कुछ मतलब होता ही है। मैं उसमें विश्वास करता हूँ, और उसके अलावा माँ जी ने इतने दिल से कहा तो मुझे ये बात माननी थी। बाहर से सख्त लगते हो तुम, लेकिन दिल के अच्छे हो। तुम भी, वैसे तुम्हारी जबान तो तीखी है, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे लक्ष्मी माँ की याद आती है। मजाक कर रहे हो ना, झूठ मत बोलो। लक्ष्मी माँ सर से पैर तक सोना पहनती है, उनका गला ऐसे खाली खाली थोड़ी रहता। अच्छा बस सोने की ही कमी है ना, तो सोना मेरे पास है, मैं अभी देता हूँ तुमको। अरे नहीं चाहिए। लेकिन तुम चाहो तो एक बार पहन कर देखती हूँ, पहनने दोगे क्या?
क्या हुआ? वो कांटा चुभ गया, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। कहाँ पर? ये क्या नया नाटक है? किसी पराए आदमी के सामने ऐसा करते तुम्हें शर्म नहीं आई? ऐसा क्या किया मैंने? अच्छा, ऊपर से मुझसे ही तुम पूछ रही हो? जब से यहां आया हूं तब से देख रहा हूं तुम्हारी नजर कुछ अजीब है। तुम मुझे गलत नजरों से देख रही हो। जब कोई जवान लड़की ऐसा करती है तो उसे कहते हैं ना, तो तुम मुझे वही समझते हो। सही कहा ना, मेरे पैर में कांटा चुभा था और वही दिखाने के लिए मैंने अपनी साड़ी ऊपर की थी, बस इतनी ही बात थी। और तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें फुसलाकर खुश करने की कोशिश कर रही थी? हाँ, तुमसे ये गहने क्या मांग लिए? तुम्हें लगता है मेरे चाल चलन ठीक नहीं है? हाँ, ये सच है कि अब तक मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मेरे मन में कभी गलत विचार नहीं आए। ऐसा ना पहले कभी हुआ है और ना आगे कभी होगा। मल्लिका? हाँ? अब मैंने जो बात कही उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। उससे ये साबित हुआ कि तुम सच में अच्छे इंसान हो। जो पसंद नहीं है उसके साथ ऐसा कभी नहीं करोगे। जाने तो छोड़ो। क्या कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं। माँ जी और पिताजी अब तक नहीं आए? वो बस आते ही होंगे। ए, शाम को सांप सीढ़ी खेलना बदकिस्मती लाता है। गरीबी आती है घर में, छोड़ इसे। फिर क्या करने से किस्मत चमकेगी ये बता दो। तेरा कुछ नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, अपना काम करो। बेटा। माँ जी। रात के खाने में मसाला चावल बना रही हूँ, तुम खाओगे ना? हाँ माँ जी, खाऊंगा। अरे खाकर देखो, स्वादिष्ट होता है। पता है माँ जी। ठीक है। माँ जी। हाँ बेटा। माँ जी, मैंने कहा था कि आप जो खिलाओगी वो मैं खा लूंगा, लेकिन अगर कुछ और मांगो तो गुस्सा नहीं होगी ना? मेरा मन कर रहा है कि मैं गर्मा गर्म चिकन करी खाऊं, आप खिला सकती हो? क्या कहा बेटा, चिकन करी? तुमने कहा और चिकन करी तुम्हारे सामने परोस दी जाएगी, ऐसा लगता है तुम्हें? ये कोई होटल नहीं है बेटा, मेरा घर है, नहीं बना सकते। अरे देखिए, मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता, जितना भी खर्चा आएगा वो मैं उठाऊंगा। कितना होगा? यही कोई 20 रुपए। अरे बस इतना ही ना, ये लीजिए 200 रुपए। 200 रुपए? हाँ, करी के लिए जो भी सामान लगता है वो सब लेकर आइए, और बाकी पैसों का जो भी जी चाहे वो कीजिए। हाँ? मेरी बात सुनिए, लौटाइए, लौटाइए इसके पैसे। ऐसे पैसे देकर हमें शर्मिंदा क्यों कर रहे हो बेटा? अरे मेरा ऐसा इरादा नहीं था, बस चिकन खाने का मन कर रहा है इसलिए मैंने पैसे दिए। अरे जाने दो ना, चिकन खाने का मन कर रहा है तो खिला देते हैं, बन जाएगा बेटा। और सुनो, तुम तैयारी करो। आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? ठीक है, लहसुन और अदरक भी लेते आइएगा, खड़ा मसाला और प्याज भी नहीं है घर में। ठीक है, तुम मुर्गी काट कर दही लगा कर रख, मैं सामान लेकर आता हूँ। ए मल्ली, यहाँ आई। सुनिए सुनिए ना। हाँ, क्या बात है बेटा, खंबा लेके आना है क्या? अरे नहीं नहीं, दरअसल मेरा पेट खराब हो गया है,
बाथरूम कहाँ है मुझे पता नहीं है, तो क्या आप बता सकते हैं? घर के पीछे छोटा तालाब है, उधर ही चले जाओ। और सुनो, उधर बिच्छू बहुत है, लालटेन लेकर जाना। हाँ ठीक है, निकल लो निकल लो। ऊपर वाले ने छप्पर फाड़ दिया है आज, मांगा 20 मिल गए 200, अगर 200 मांगता तो 1000 रुपए मिलते। माता लक्ष्मी खुद तुम्हें आशीर्वाद देने आ रही है, आपके घर में सोने चांदी की बरसात होगी, उस खजाने की रक्षा करने की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तुम्हारे हाथ में जो मिट्टी लगी है वही तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। कौन से ख्यालों में खोई है मेरी बेटी? मैंने तुझे डांटा इसलिए नाराज है क्या? इतनी छोटी छोटी बातें तो मैं याद भी नहीं रखती। हाँ बिल्कुल सही कहा तूने। मसाले पीसकर हुए या नहीं? ए इतना बारीक क्यों पीस रही है? अम्मा किसी ने अगर तुमसे 20 रुपए मांगे हैं तो तुमने 200 रुपए दिए हैं क्या? मैं क्या तुझे पागल लगती हूँ जो ऐसा करूँगी? है ना, तो फिर उसने 200 रुपए क्यों दिए होंगे? मुझे ऐसा लगता है कि वो दौलत उसकी मेहनत की कमाई नहीं है। लेकिन उसने तो कहा था कि उसकी मेहनत की कमाई है। उसकी मेहनत की कमाई होती तो इस तरह से लुटा नहीं देता। किसी और के पैसे हैं और उसके मजे वो ले रहा है। वो मेहनत के पैसे नहीं हैं, चुराए हुए पैसे हैं। धीरे बोल, वो सुन लेगा। वो घर में नहीं है, बाहर गया हुआ है। उसे ये पैसे कहाँ से मिले हैं, इससे हमें क्या? अगर हमने इस बारे में नहीं सोचा तो हमारी ये जिंदगी कभी नहीं बदलने वाली अम्मा। मतलब? उसके सारे पैसे और गहने हमें मिल जाए तो? पर ऐसा कैसे हो सकता है? जिंदा है तो उसके पास है, अगर वो मर गया तो? प्रसाद सभी की किस्मत में है ऐसा कहा था ना उसने हमसे, तो फिर उसकी सारी दौलत भी हमारी ही किस्मत में लिखी हुई है। अभी करी के लिए मुर्गी काटो, उसे चिकन करी खिलाएंगे। पागल हो गई है क्या तू? सही कहा तुमने, मेरी इच्छाएं उड़ान भर रही हैं। कुछ मत कहो, तुम्हारी जवानी बीत चुकी है पर मेरी नहीं। मेरी तकलीफ का अंदाजा किसी को नहीं है। मैं क्या चाहती हूँ इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। मैं अब और ज्यादा नहीं सह सकती। इससे ज्यादा तुमसे और कुछ कहूंगी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। हमारी तकलीफें दूर करने का बस यही एक उपाय है, और वो है उसकी मौत। नहीं ऐसा मत कह। अगर अब भी मेरी बातें तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस रही हैं तो और क्या कहूँ। वीरन्ना ने मेरे सामने एक ही रास्ता छोड़ा है, तुम लोगों का लिया हुआ कर्जा चुकाने के लिए मुझे उसके साथ सोना पड़ेगा। हाँ? अच्छा इसलिए तू इसकी जान लेना चाहती है? सुबह मदारी जो बोल कर गया वो सब तुम भूल गई क्या? माता लक्ष्मी खुद तुम्हें आशीर्वाद देने आ रही है, तुम्हारे हाथ में जो मिट्टी लगी है वही होगी तुम्हारी किस्मत बदलने वाली महान मिट्टी। इतना ही नहीं, वो छिपकली मेरे बाएं कंधे पर गिरी और उसके दाएं हाथ पर। तुम हमेशा कहती हो ना, छिपकली बाएं कंधे पर गिरे तो धन लाभ होता है और दाएं हाथ पर गिरे तो मौत आती है। उसकी मौत हमारे ही हाथों लिखी है, यही हमारी किस्मत है। मल्ली मुझे बहुत डर लग रहा है। ले सुनिए ना, धनिया पाउडर है 100 ग्राम। तुमने सुना ये क्या कह रही है? ये एक जूरी धनिया पत्ती और ये कड़ी पत्ता। तुम सुन भी रहे हो कि मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? लौंग काली मिर्च और तिल भी लाया हूँ मैं। ये लड़की उसे मारना चाहती है। मार डालो ना।
वैसे उसे मारना आसान नहीं होगा, पर लक्ष्मी जी खुद चलकर हमारे दरवाजे पे आई हैं, तो स्वागत करना होगा। मैं अब उस वीरन्ना से तंग आ गया हूँ। बेटी, एक बाप के नाते मैं तुझे कभी कुछ नहीं दे पाया, अगर तेरी भलाई इसी में है तो मैं सब करने को तैयार हूँ। औरत के नाते तुझे जो करना है वो कर, और मर्द के नाते मेरा काम मैं करूंगा। उसे अभी चिकन करी खिलाओ और तुम भी खाकर सो जाओ, सुबह देखते हैं। सुनिए ना, परिवार की गपशप में खलल डाल दी, कहीं आप मेरी चिकन करी भूल तो नहीं गए हो ना? अरे नहीं नहीं, मैं तो इन्हें हिसाब दे रहा था, महंगाई कितनी बढ़ गई है ना, बचे पैसे देता हूँ। पैसा? मैंने कब आपसे पैसा मांगा? उससे आपके लिए कुछ ले लीजिए। नहीं समझे क्या? अभी जाता हूँ। जल्दी जाइएगा, तब तक गर्मा गर्म चिकन करी बन के तैयार होगी। तुम्हें जैसा बताया वैसा करो, बाकी सब मैं देखता हूँ। जी, हत्या के बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब खाने के लिए किसी मुर्गी को मारना, इस बारे में आप क्या सोचती हैं, यही पूछ रहा था। चिकन खाने की इच्छा तुम्हारी ही थी ना? हाँ, बात तो सही है, लेकिन किसी की जान लेकर अपना पेट भरना मुझे कुछ अजीब सा लगता है। तो क्या आप तुम चिकन करी नहीं खाओगे? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल खाऊंगा, मैं तो बस ऐसी बात कर रहा हूँ, असल में मुझे बहुत भूख लगी है। अगर चिकन खाना है तो इसे मारना ही होगा। बात तो सही है, लेकिन मुर्गी को बिना मारे हम उसके स्वाद का मजा नहीं उठा सकते। किसी एक की मौत ही किसी और का जीवन होता है, सृष्टि का यही नियम है। बड़े जानवर छोटे जानवरों को मारने के बाद उन्हें खाकर अपना पेट भरते हैं। इंसान भी तो जानवर ही है, इंसान इंसान को मार कर पेट नहीं भरता, अब तक वो समय नहीं आया है। इसलिए अब तक हम चिकन और मटन खाकर अपना पेट भर रहे हैं, और अगर ये बात तुम्हें इतना परेशान करती है तो मत खाओ इसे। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, लेकिन अभी ये जो बेचारी मुर्गी मरी है ना, उसके लिए छोटी सी प्रार्थना जरूर करूंगा ताकि उसे आत्म शांति मिल जाए। बस बातें ही बनाते रहोगे या फिर हमें खाना पकाने दोगे? चिकन जरूरी है, आप बनाइए ना। सुबैया, मुझ में और पिताजी में एक छोटी सी शर्त लगी है, अब तुम ही बताओ कि हम में से कौन जीतेगा। पिताजी कहते हैं कि कल से तुम दारू नहीं पियोगे, लेकिन मैं कहता हूँ पियोगे, तो अब तुम बताओ मुझे ये शर्त कौन जीतेगा, मैं या फिर पिताजी? बाप बेटे मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? पहले बात सुनो, इंसान तकलीफ में शराब पीता है, खुशी में शराब कोई क्यों पिएगा, बताओ मुझे। किसी पियक्कड़ को तकलीफ हो, दुख हो या खुशी हो, मुझे बताओ क्या फर्क पड़ता है? अरे ये क्या बकवास लगा रखी है, चाहो तो दारू बेचना बंद कर सकते हो, पर मुझे रोकने का हक नहीं है तुम्हें। हो, अब मैं तुम्हारी बात समझा, तुम मुझे परेशान करना चाहते हो हा? ताकि शराब का मुझ पर कोई असर ही ना पड़े और मैं पीता ही रहूं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। आज रात मैं एक बहुत जरूरी काम करने वाला हूँ, बहुत ही जरूरी, और उसके लिए आज मैं ज्यादा नहीं पीऊंगा, बिल्कुल नहीं।
ए राजू, एक बोतल और ला। अन्नपूर्णम्मा, ओ अन्नपूर्णम्मा। हाँ। कल हमें नायडू सेठ के खेत में कटाई के लिए जाना है, वहाँ मजदूरी ज्यादा मिलेगी। तुम और तुम्हारी बेटी आओगी ना? हाँ जरूर आएंगे। कितने बजे? वेंकय अम्मा, कल हम दोनों काम पर नहीं आ सकते। हे भगवान, क्यों री? नायडू सेठ को तुम दोनों का वादा करके आई हूँ, अब मैं क्या करूँ? किसी और को ले जाओ ना, कल हमें कुछ काम है। हाँ ठीक है, अब चलती हूँ। माँ जी, कल मैं यहाँ नहीं रहूंगा, तो आप मेरी वजह से रुक मत जाना। हाँ कल तुम कहीं के नहीं रहोगे और हमें काम पर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसलिए तो कल कहीं नहीं जा रहे हैं हम। वो क्या है ना बेटा, कल हमें अपने खेत में कुछ काम है, इसलिए उससे मना कर दिया। ओ, फिर तो कोई बात नहीं है माँ जी, बस मेरी वजह से आप परेशान ना हो इतना ही। फिर तो तुम जरूर मरोगे। माँ जी, चिकन बनने में और कितनी देर लगने वाली है बताइए? बस आधा घंटा और बेटा, बाकी सब तैयार है। बहुत भूख लगी है माँ जी। फिर तो तुम आज भूखे ही मर जाओगे। बस आते ही होंगे। जानती हो मुझे क्या लगता है कि तुम्हारा पति आज रात को घर आएगा ही नहीं। उसकी जेब में काफी पैसे जो हैं, आज उल्टी होने तक पिएगा और जाकर किसी गटर में गिर जाएगा। तो अब तू क्या करने की सोच रही है? सपना था, मैं उनसे कहकर आया हूँ कि तुम बस पकाओ और खिलाओ, इससे ज्यादा वो दोनों कुछ कर भी नहीं पाएंगे। कुछ भी नहीं। राजू, माँ जी, लगता है चिकन करी बनते बनते अब तो भोर होने वाली है, इतना ज्यादा मत पकाइए उसे, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मुर्गी फिर से जिंदा हो जाएगी। ध्यान रखिए। चावल पककर तैयार है बेटा, बस थाली परोसने की देर है। ठीक है माँ जी। ये सब क्या हो रहा है अम्मा? जिसकी जान लेनी है उसके लिए ममता जाग रही है क्या? मैं करूं तो क्या करूं? तूने कहा था हमें बस खाना खिलाना है, बाकी सब तुम्हारे बाबा देख लेंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा वो पियक्कड़ बाप, तुम्हें अब भी लगता है वो कुछ कर पाएगा? जब तक सारे पैसे नहीं उड़ाता तब तक अपना मुंह नहीं दिखाएगा, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। तो अब क्या करने वाली है तू? अगर इसकी मौत हमारे हाथों ही लिखी है तो इसकी मौत अब कोई नहीं रोक सकता। अब जो भी करना है हमें ही करना है। नहीं मल्ली, घबराओ मत अम्मा, इसके खून से हाथ रंगेंगे तभी परेशानियां दूर होंगी। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, किसी के खून से अपने हाथ रंगना सही नहीं है। मतलब? जहर खिलाते हैं।
ये क्या बेटा? तुम्हारे हाथ गंदे हैं। वो दरअसल मैं स्केचिंग कर रहा था ना, शायद स्याही लग गई है। मैं हाथ धो के आता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जरा भी अकल नहीं है तुम्हें? यहाँ काफी अंधेरा है, संभल कर चलना सर। हाँ मैं जानता हूँ, तुम अपना काम करो, चलो आओ। अम्मा पुलिस आई है। बेटा। हाँ माँ जी। तुम कुछ देर यहीं रुकना है, जब तक बुलाती नहीं तब तक बाहर मत आना। क्यों, क्या हुआ माँ जी? घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं, अगर इस वक्त तुम्हें यहाँ देख लिया तो गांव में गलत सलत बातें फैलाएंगे, तुम समझ सकते हो ना? हाँ समझ गया, मैं यहीं रुकता हूँ, जब तक आप नहीं बुलाती मैं नहीं आऊंगा। ठीक है बेटा। लगता है आज चिकन करी खाने का नसीब में ही नहीं है। आप यहाँ कैसे? शेट्टी साहब के घर में कोई चोर घुसा था, खबर मिली है कि वो इधर ही आया है, उसी को ढूंढ रहे हैं। आपने आसपास कोई अनजान आदमी को देखा है? अन्नपूर्णा माँ, अच्छी खुशबू आ रही है, मटन बना है क्या? हाँ साहब, वो चिकन करी बनाई है। अच्छा है, तो हमें भी चखने का मौका दो। मुझे भी सर। अब तू क्यों भौंक रहा है? वो काटता नहीं है। और अगर काट लिया तो? कहते हैं भौंकने वाले कुत्ते नहीं काटते। हमारे सर दोनों करते हैं, सबको पता है। आप चलिए, बहुत काम है, चलिए आइए। अरे वाह, थाली पहले से तैयार है, क्या बात है। नहीं, ये मत खाइए, मैं आपके लिए दूसरी थाली लगाती हूँ। लेकिन क्यों, मैं कोई मेहमान हूँ? हाँ। चलेगी मुझे, चिकन भी एकदम गर्मा गर्म है, और क्या चाहिए मुझे? इसके लिए दूसरी थाली लेकर आइए। थाली खुली हुई थी ना, अतिथि को ऐसे खुला खाना खिलाना हमारे संस्कार में नहीं। मैं दूसरी थाली पर उसका लाती हूँ। मली, दो थाली लाना, मैं करी गर्म करती हूँ। अन्नपूर्णा माँ, जल्दबाजी क्यों कर रही हो? हाथ से फिसल गई साहब। मली, इसे साफ कर दे, मैं करी गरम करती हूँ। अन्नपूर्णा माँ, करी में मुर्गी का स्वाद बढ़िया है या मसालों का समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपके हाथों में जादू है। ए, ए, रामू, रामू, ए, नहीं, रामू, ए, मत कर, मत कर, जा, अरे, हट, जा, यहाँ से, रामू, ए, 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 मत, मत कर, अरे खाने दो अम्मा, नीचे ही तो गिरा है, खाने दो उसे। चिकन बढ़िया था अम्मा, हमने कहा और आपने खिला दिया, आपका भला होगा, चलता हूँ। सर जी, खाना खाकर बहुत ज्यादा सुस्ती आ रही है, थोड़ी देर यही झपकी लेकर आगे बढ़ते हैं। पहले काम करो फिर आराम। अब इसे क्या हुआ, पहले तो हम पर बहुत भौंक रहा था, अब देखो कैसे सो रहा है। ये ऐसा ही है, खाना खाते ही सो जाता है, आलसी कुत्ता है। सुना तुमने, मतलब ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, चलो।
मल्ली, क्या हुआ? उल्टी हो गई। तुम जाकर खाना खा लो, अम्मा तुम्हें अंदर बुला रही है। अच्छा बनाया माजी। माजी क्या कर रहे हो बेटा? मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से आपके पैर छूना चाहता था माजी। जहर नहीं मिलाया था ना? अपनी बेटी की जिंदगी की परवाह नहीं, लेकिन एक अजनबी की जान की बहुत परवाह है तुम्हें। हाँ, तुम्हारा कर्जा चुकाने के लिए मुझे किसी के साथ सोना पड़ेगा, इसकी भी परवाह नहीं है ना? मल्ली, तेरे दिल को जलाने वाली ऐसी कड़वी बातें क्यों करती है? कुत्ते की मौत देखकर मेरा जी घबरा गया था, इसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, इसलिए जहर नहीं मिला। सही है, मेरे लिए कुछ क्यों करोगी? तुम्हारी कोख से जन्म लिया है ना मैंने, मैं ही जहर खा के मर जाती हूँ। घबराओ मत, जान देने नहीं जा रही। आज चाहे जो भी हो जाए, मैं अपना काम पूरा करके ही रहूंगी। ए राजू, एक बोतल और ला। बहुत हुआ सुभैया, काफी पी रखी है तुमने। कल से तुम यहाँ नहीं आओगे, इसलिए मालिक और उनका बेटा तुम्हें जानबूझकर भड़का रहे हैं। लेकिन तुम्हें ऐसे पीते देख मुझे लगता है कि कल तक तुम जिंदा ही नहीं रहोगे। ये मुझे कैसी नसीहत दे रहा है तू? मैंने कल भी पी थी, आज भी यहाँ पी रहा हूँ और कल भी पीऊंगा। अगर तू चाहता है तो तू भी एक गिलास ले ले, मेरे पास बहुत पैसे हैं। बात पैसे की नहीं है, अगर तुम सुनोगे तो दारू वारू सब भूल जाओगे। असल में तो तुम्हें इसी वक्त अपने घर जाना चाहिए। बोल क्या है? अरे बोलना बोलना क्या है? आज तुम्हारे घर एक मेहमान आया है ना? हाँ तो पता है, आज दोपहर में यहाँ एक आदमी आया था, पता है वो आदमी कौन था? मेरे घर कोई आया है, ये बात तुझे कैसे पता?
चाचा जी पहचाना मुझे? मैं सुबैया का बेटा चिन्नी कृष्णा। तुम सुबैया के बेटे हो जो कई सालों पहले भाग गया था, बेटा तुम वही हो? हाँ चाचा जी। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए हर रोज आंसू बहाती है, तुम्हारा बाप रोज यहाँ आता है और शराब पीता है, अब तक तुम्हारी बहन की शादी नहीं हुई। चलो अब तुम वापस आ गए हो तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ जरूर होगा, मैं इसीलिए तो वापस आया हूँ चाचा जी। एक छोटी सी वजह से मैं घर छोड़ के चला गया था, अब वापस आया हूँ तो कुछ ऐसा करूंगा जिससे माँ पिताजी को लगे कि जो हुआ अच्छा ही हुआ था। काशी चाचा, जब तक मैं ना कहूँ तब तक उन्हें मेरे बारे में कुछ भी बताइएगा मत। लेकिन क्यों बेटा? प्लीज मत बताइए चाचा जी। चलो ठीक है बेटा, जैसा तुम कह रहे हो हम लोग वैसा ही करेंगे। कृष्णा तुम बिल्कुल अपने नाम की तरह हो, एकदम निराले हो तुम। जाओ घर जाओ। बाद में मिलते हैं। चाकू कल्पनाल काटने के लिए है। आज हमने मुर्गी भी काटी थी इसी चाकू से। आज इसी चाकू से या तो वो मरेगा या फिर मैं मरूंगी। ये तो पुर्णिमा की आवाज है। पुर्णिमा, ओ पुर्णिमा, लगता है कोई नहीं है। आपका नाम क्या है? श्रीनु, श्रीनिवास। उसके जूते यहाँ कैसे आ गए? सुपैया जरूर ताड़ी की दुकान में मिलेगा, उससे ही पूछता हूँ। Huh.
सुनना, कहाँ है वो, कहाँ है वो? जो दौलत मेरे पास है वो कल आपके पास होगी। मार मार कर आज तो तेरी जांच ही ले लूंगी मैं। रुक जा, रुक। काटी तेरी जटी काटी। ए कहाँ भाग रहा है चिन्नी? तू
तुझे क्या लगता है मैं तुझे छोड़ दूंगी? ए, रुक जा, वापस आ, रुक, ए, चिनी, रुक जा, चला जा, जा और वापस मत आना, और अगर वापस आया ना तो तेरी जान ले लूंगी। चुना मत उसे, चुना मत, इसे हाथ लगाने का हक हमने खो दिया। ये सब मेरी गलती है अम्मा, मेरी गलती है, मैंने इसकी जान ली है, मेरी, सब मेरी गलती है, मेरी गलती है। इसे जन्म देना ही मेरी गलती थी, मेरी गलती। मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आज 15 सालों बाद मैं अपने परिवार वालों से मिला था। जिस पल मैंने माँ, पिताजी और मल्ली को देखा, उसी पल उन्हें सीने से लगाना चाहता था और बताना चाहता था कि मैं उनका चिन्नी हूँ। लेकिन जब मैंने मेरी बहन मल्ली का उनके प्रति एक अजीब सा व्यवहार देखा तो मैं वहीं पर रुक गया। जब वीरन ना माँ और पिताजी से ऊंची आवाज में बात कर रहा था तब मेरा खून खौल उठा। मैं उसी पल उसके मुंह पर पैसे फेंक कर हमारा घर और जमीन वापस ले सकता था, लेकिन मेरी किसी अजीब सी इच्छा ने मुझे फिर से रोका। बाद में मैं समझ गया कि वो मेरी भूल थी। जवानी की आग में तड़पती बाकी लड़कियों की तरह ही मेरी बहन भी
जब मेरी तरफ आकर्षित होने लगी थी तभी मैं उसे सच्चाई बता देने वाला था, क्योंकि पहले ही जितना बुरा होना था हो चुका था। अगर तब उसे सच्चाई बता देता तो भाई के घर लौटने की खुशी से ज्यादा उसे अपनी गलती का एहसास उम्र भर जीने नहीं देता। अब मैं उसे और दुखी नहीं देखना चाहता। मैं यहाँ पर अजनबी बन के आया था और हमेशा इनके लिए अजनबी बनकर ही रहूंगा, इसलिए मैं अपना सारा पैसा और सारी दौलत इन्हीं के पास छोड़कर कल सुबह मैं अपनी नई यात्रा के लिए निकल जाऊंगा, ताकि मेरे पीछे ये लोग खुश रह सकें। हे भगवान, मेरी बहन फिर कभी मुझे उस नजर से ना देखे, बस यही मैं प्रार्थना करता हूँ। और हाँ, मेरा परिवार मेरे पीठ पीछे हमेशा खुशहाल और आबाद रहे।